आज गौरीघाट तट पर श्रद्धालुओं की अलग सी भीड़ दिखाई दे रही है। यह भीड़ है मकर संक्रांति पर्व की, जिसे लेकर दूर दराज से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज के दिन का विशेष महत्व है। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान दान पुण्य कर पूजन अर्चन करने से भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके लिए मानरबदा के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज के दिन को लेकर ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर्व पर सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी सूर्य भगवान दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में प्रवेश करते हैं, जिसका विशेष महत्व होता है। आज के दिन से ही हिंदू धर्म के मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। इन मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने से पहले श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देकर उन्हें तिल और गुड़ का दान करते हैं। वहीं इस खास पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में अलग सा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल द्वारा पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। एक ओर जहां घाट पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर घाट पर भी होमगार्ड का बल तैनात है, जो घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की विशेष सुरक्षा में जुटा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जबलपुर नगर से और आसपास से दर्शन के लिए यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। तो हमने कम से कम 8 पॉइंट पे लगा के व्यवस्था की है। कोशिश ये कर रहे हैं कि पास से पास तक लोगों को बुलाएं, वाहन पार्क कराएं और पैदल अपना स्थान क्षेत्र है वहाँ पे पैदल हम वहाँ पे वाहन अलाउ नहीं कर। नीचे घाटों पर भी बल लगा हुआ है। जी हम महाराष्ट्र अहमदनगर से आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। यहाँ पे नर्मदा तट पे हम मकर संक्रांति के लिए स्नान करने आए हैं। बहुत सुना है यहाँ के बारे में, इसलिए आज आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज देखिए हमारे भारत और सनातन संस्कृति का महापर्व मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आज से जो है भगवान सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तर होते हैं, जिसमें आज के दिन जो है तिल से स्नान करना, तिल का दान करना और भगवान सूर्य को जो है अर्घ प्रदान करना, जिससे जो है तीर्थों में जाकर आज के दिन तीर्थ में स्नान करना, तिल से स्नान करना बड़ा ही हमारे सनातन संस्कृति का विशेष पर्व है। इसलिए जो है आज समस्त लोग जो है मां नर्मदा में डुबकी लगाते हैं और तिल खिचड़ी का दान करते हैं। आज सुबह से जो है बड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति के साथ आस्था की डुबकी मां नर्मदा पे लगा रहे। कहते नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा जो है समस्त पापों का और सबका कल्याण करने वाली है, इसलिए सभी लोग अपनी मांगलिक कार्य के निमित्त जो है डुबकियां लगा रहे हैं और अपने परिवार अपने आयु स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। जबलपुर से टीम लोकमंगल।